क्या आपने कभी सोचा है कि जो मशरूम आप खाते हो उसकी फार्मिंग कैसे की जाती है? क्या आपको पता है कि जंगल में उगने वाले 70 से 80% मशरूम जहरीले होते हैं, जिससे आपकी जान भी जा सकती है? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको मशरूम के उगने से लेकर उसे खाने तक सब कुछ स्पष्ट तरीके से बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मशरूम आज से 635 मिलियन साल पहले साउथ चीन में पाया गया था। हालांकि उस समय ये खाने लायक था या नहीं ये पता नहीं, लेकिन सन 1650 में पेरिस और फ्रांस में खाने वाले मशरूम को पाया गया था। पहले के जमाने में लोग मशरूम को एक सुपर नेचुरल और स्पेशल फूड मानते थे। इजिप्टियंस लोगों का मानना था कि मशरूम एक अमर पौधा है। इसी के साथ रोमन लोगों का मानना था कि मशरूम भगवानों का खाना है। और वहीं कई अलग अलग लोग मशरूम के बारे में अलग अलग बातें बोलते थे और उन्हीं की फॉल्स कॉन्सेप्ट आज के जमाने में भी स्थित है। ये तो हो गई मशरूम की अंतर्राष्ट्रीय बातें। भारत की बात करें तो मशरूम भारत में 1886 में पाया गया था। हालांकि भारत में मशरूम की कई स्पेसिमेंस N.W. न्यूटन द्वारा एक एग्रीकल्चर एनुअल शो के दौरान पेश की गई थी। इस चार्ट के नीचे देखें तो 1896 से 1897 तक कोलकाता मेडिकल कॉलेज के एक प्रोफेसर डॉक्टर बीसी रॉय ने कैविस और माइंस ने भी मशरूम का केमिकल एनालिसिस किया था। वही सन 1908 में सर डेविड पेन ने एडिबले मशरूम की खोज की। एडिबले मशरूम मतलब एक ऐसा मशरूम जो ग्राउंड पर उगती है और हाथों से तोड़ी जा सकती है और ये पॉइजन फ्री रहती है। वहीं सन 1908 से लेकर सन 1983 तक मशरूम पर कई रिसर्च चली और कई नए प्रजातियों के मशरूम बनाए गए। आज के समय की बात करें तो अभी भारत देश की 11 राज्यों में स्थित AICRP के तहत 10 समन्वय और एक सहसंचालन केंद्र काम कर रहे हैं। इसमें से 9 केंद्र राज्य कृषि विश्वविद्यालय पर आधारित है, जबकि 2 ICAR संस्थानों में। हमने आपको मशरूम के इतिहास के बारे में तो बता दिया, लेकिन अब आइए जानते हैं कि मशरूम कैसे उगाई जाती है और कैसे पहचाना जाता है कि कौन सी मशरूम खाने लायक है। सबसे पहले आपको बता दें कि मशरूम एक खाद वाले मिट्टी में उगती है। खाद बहुत सी कंपनियां बनाती हैं, लेकिन आप खुद भी इसे घर पर बना सकते हैं। एक मिट्टी को खाद बनाने में कम से कम 4 से 6 सप्ताह का समय लगता है। 10 किलो भूसे को 100 लीटर पानी में भिगोए, इसके बाद इसमें 150 मिली फार्मलिन, 7 ग्राम कार्बोडोनिस डाले। भूसा भिगोने के बाद लगभग इसे 12 घंटे के लिए छोड़े और उसके बाद उसे निकाल लें। इसके बाद भूसे को किसी जालीदार बैग में भरकर या फिर चारपाई पर फैला दे, जिससे भूसे में से अतिरिक्त पानी निकल जाए। इसके बाद 1 किलो सूखे भूसे को एक बैग में भर दे और फिर इस बैग में 3 लेयर लगा दे। एक लेयर लगाने के बाद उसमें स्पोरेस को किनारे किनारे रख कर उस पर फिर भूसा रख दे। इस तरह से आपको एक बैग में 3 लेयर लगानी होगी। जिन लोगों को नहीं पता होता कि स्पोरेस क्या है, उन्हें बता दे कि स्पोरेस एक तरह की सेल होती है जो फंगी प्लांट और बैक्टीरिया में पाई जाती है। स्पोरेस को रिप्रोडक्शन के इस्तेमाल से लिया जाता है। बैग में स्पोरेस लगाने के बाद 15 दिनों में इसमें ऑयस्टर की सफेद सफेद फुटिया निकलने लगती है। ये मशरूम बैग के चारों तरफ निकलने लगता है। इस मशरूम में सबसे अच्छी बात होती है कि इसे किसान सुखाकर भी बेच सकते हैं। इसका स्वाद भी तीनों मशरूम में सबसे बेहतर होता है। तो इस तरह से होती है मशरूम की खेती। दोस्तों आपको बता दें कि आज के समय में मशरूम की खेती करना एक बेहतरीन आइडिया है। तो अगर आप भी मशरूम की खेती करना चाहते हो तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो ऐसी और जानकारियां हासिल करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।